फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट में थ्योरी किया था, है ना। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि कुछ इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे इसमें देखिए, पहला नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके बुक में मिलाइएगा, बिहार बोर्ड स्पेशल है भाई, देख लो, मिला लो अपने कॉपी में, किताब में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फ्लोइंग आइटम्स अंडर द मेजर हेड एंड द सब हेड। आपको मेजर हेड एंड सब हेड बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस होगा तो एक उसमें हेड होगा और एक उसमें क्या होगा, सब हेड होगा। हेड का मतलब क्या होता है, मेन एगो। जैसे मान लीजिए हम एसेट्स का दो टुकड़ा करते हैं, एक करते हैं करेंट एसेट्स, एक करते हैं नॉन करेंट एसेट। तो करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स एगो हेड हो गया, और नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल या इनटेंजिबल बोले तो उसका सब हेड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी एडवांस में पैसा रिसीव होगा तो वो किस में जाएगा, वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। मान लीजिए कि हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हमको पहले ही लाकर फीस दे दिया, पेमेंट दे दिया कि सर इस मंथ का पेमेंट आप ले लीजिए सर, है ना, एडवांस पेमेंट दे दिया। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, और नवंबर का कोई पेमेंट दे दिया तो क्या हो गया, एडवांस हुआ कि नहीं हुआ। तो एडवांस हुआ तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस बच्चे को पूरा पढ़ाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसके साथ लाइबिलिटी भी तो बन रहा है, क्योंकि मेरा तो ये कर्जा हो जाएगा ना कि हाँ उसने फी दिया है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, करेंट लाइबिलिटी में इसको जनरेट कर देंगे। किस में जनरेट करेंगे, करेंट लाइबिलिटी को, यानी इनकम रिसीव इन एडवांस को हम लोग करेंट लाइबिलिटी में जनरेट करेंगे। तो उसका सब हेड क्या होगा, तो अदर करेंट लाइबिलिटी उसका हेड हो जाएगा, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी को दो भागों में तोड़ा गया था, एक लिक्विड में एक नॉन लिक्विड में। तो नॉन लिक्विड को आप क्या बोल सकते हैं, आप अदर करेंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस कोई देता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल एडवांस में कोई देता है तो आपके पास नॉन करेंट एसेट्स हो जाता है। मान लीजिए कोई आपको पूंजी इन्वेस्ट, आपको एडवांस में कोई इन्वेस्ट कर दिया तो आपका नॉन करेंट एसेट्स हो गया। वो यदि सब हेड में उसकी बात किया जाए तो सब हेड में क्या होगा, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस होगा। दो कंडीशन है उसके पास, सब हेड को थोड़ा तोड़कर बताना पड़ेगा। एक तो आपको पैसा दिया है तो वो आपको लोन दिया है, जस्ट लाइक लोन दिया है, तो लोन भी जनरेट हो रहा है और आपका एडवांस में एसेट भी जनरेट हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, इसका मतलब होता है कैपिटल एडवांस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया हम लोग का। सर ये एग्जाम में आएगा क्या, ना ना एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, एकदम समझने के लिए सब है। सर क्यों समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट समझा दीजिए, रुको थोड़ा सा वेट कर लो, एक आध करके बस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम टू है यहाँ पर, किताब में मिला लीजिए क्वेश्चन। पहला है इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आपका पूंजी प्रोग्रेस में जा रहा है, यानी आपका नॉन करेंट एसेट बढ़ रहा है, अस्थाई संपत्ति आपका बढ़ रहा है, तो नॉन करेंट एसेट्स इसका हेड हो जाएगा। और इसका सब हेड क्या आएगा, तो सेपरेट हेडिंग इसका सब हेड आ जाएगा, या फिर इसका लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, सब हेड में आपका सही हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इम्प्लॉई बेनिफिट जो है, तो आपका ये क्या है, इम्प्लॉई बेनिफिट क्या है, तो आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी है। सर इम्प्लॉई बेनिफिट नॉन करेंट लाइबिलिटी कैसे हो सकता है, अच्छा ठीक है, आप ये समझिए कि आप किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं, आप अपने इम्प्लॉई को 30,000 रुपये सैलरी देते हैं, उसका वर्क यदि प्रोग्रेस में है तो सैलरी भी तो प्रोग्रेस में होगा। आज 30 दे रहे हैं, कल उसको 40 देना पड़ेगा, ये तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना। तो क्या होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और इसमें हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, सही है। इसी प्रकार तीन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैपिटल रिजर्व का सब हेड क्या होगा, तो शेयर होल्ड फंड में हम लोग इसको लिखेंगे, इसको कॉल इन एरर्स को कहाँ लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। लूज लॉस टूल्स को कहाँ लिखेंगे, तो करंट एसेट्स में लिखेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी में इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चलते हैं, ये सब तो हो गया जानने के लिए, है ना, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बिल्कुल आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट इसमें कोई है नहीं है, है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग इसको देखेंगे, है ना, और आप चाहें तो इसको पहले भी देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका आइटम्स है और आपका मेन हेड है और आपका सब हेड है। जैसे बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल किस मतलब क्या है, एसेट्स एक लाइबिलिटी है, पहले इस पर दीजिए ध्यान। तो बिल्स रिसीव हो रहा है तो एसेट से, कौन सा एसेट से, करंट एसेट से, तो क्या लिखेंगे, करंट एसेट लिखेंगे। अब बिल्स रिसीव किस सब हेड में आएगा, तो ट्रेड रिसीव में आएगा, क्योंकि बिल्स रिसीव तभी होता है जब हम कोई व्यापार करते हैं या कुछ बेचते हैं, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल हमारा सब हेड हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्या आएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा करंट एसेट्स आएगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कभी भी हम अपने काम को प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में चालू रूप से देखेंगे तो हमारे एसेट्स में क्या रहा है, बदलाव आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा करंट एसेट्स। और इसका सब हेड क्या हो जाएगा, तो इन्वेंट्री हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, है ना।
लाइव स्टॉक क्या होता है, 11th में पढ़ाए थे लाइव स्टॉक। जैसे कोई भी लिविंग थिंग परचेज करते हो तो उसके लिए लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हो। लाइव स्टॉक कौन सा हेड होगा, तो नॉन करेंट एसेट्स होगा, क्योंकि लाइव स्टॉक में जैसे तुम हॉर्स परचेज कर रहे हो, हाथी परचेज कर रहे हो, गाय परचेज कर रहे हो, ऐसा वस्तु। जैसे मान लो कोई घोड़ा का व्यापारी है तो घोड़ा ही परचेज करेगा और घोड़ा ही बेचेगा, और वो तो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, क्योंकि घोड़ा एक साल में थोड़े ना मर जाएगा, एक साल से ज़्यादा चलेगा, है ना, बिजनेस है उसका। तो क्या होगा, लाइव स्टॉक आपके किस हेड में आएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स के हेड में आएगा। उसका सब हेड क्या होगा, तो सब हेड हो उसका टेंजिबल एसेट्स होगा। टेंजिबल एसेट्स क्यों होगा, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स इसलिए होगा क्योंकि घोड़ा दिखेगा। इनटेंजिबल एसेट्स यदि गुडविल रहता तो इनटेंजिबल एसेट्स में चला जाता, है ना, ये तो पढ़ाया हुआ टॉपिक है, कल वाले क्लास में भी बताए थे इसके बारे में, एसेट्स और लायबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंजिबल एसेट्स में क्यों आ रहा है। स्टॉक है हम लोग का, स्टॉक क्या है भाई, करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है, स्टॉक वस्तु करंट एसेट्स है सर, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। कल वाले क्लास में देखिएगा जब हम एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम करंट में दो लिखे थे, एक लिक्विड लिखे थे, एक नॉन लिक्विड लिखे थे। लिक्विड वाले में कैश और बैंक को दिखा रहे थे, और नॉन लिक्विड में किसको दिखा रहे थे, स्टॉक को, डेटर को, ETC को। तो ये हमारा स्टॉक किस में जाएगा, करंट एसेट्स में, और इसका सब हेड क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, या फिर इसको मतलब कि आप यूजली या फिर नॉन लिक्विड में या अदर करंट एसेट्स में इसको सब हेड इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, कत्यानी लिमिटेड हैज द फ्लोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017, नए वाला किताब में इसमें 19 होगा या फिर 20 होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब देखिए कैपिटल रिजर्व का पैसा कितना है, 8,50,000 कैपिटल रिजर्व, 8,50,000 है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सरप्लस में कितना है, हाँ सरप्लस ही है, सरप्लस में कितना है, 4,00,000 है। नीचे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, आपके नए वाले किताब में 20 या 21 होगा, इट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6,50,000, हाउ वुड यू शो दिज आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। बोल रहा है कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाइएगा, कल ही आपको बताए थे कि आप लोगों ने 11th में जो सीखा था वो सीखा था लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऐसा नहीं होने वाला है इसमें, इसमें एक पार्टिकुलर होगा और एक अमाउंट होगा। डिटेल्स के लिए दो अमाउंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पार्टिकुलर्स और दो अमाउंट, एक आपका 18 लास्ट का और एक आपका 17 लास्ट का। तो इसमें देखिएगा टोटल, पहले इन टोटल अमाउंट्स को जोड़िएगा, देखिए 8 और 4 12 और 12,50,000, 12,50,000 और 6,50,000, 19,00,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 19,00,000 इसका टोटल हो गया। लेकिन इससे पहले इसको करना होगा, देखिए पार्टिकुलर और एक अमाउंट पहले ये नोट्स में दिखाना पड़ेगा, ये आपका मेन बैलेंस शीट हो गया और ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स हो गया जो नीचे में आपको दिखाना पड़ेगा। ये EPS में भी आता है, पहले बता देते हैं, EPS में मैथ अब आ नहीं रहा है, बट मैथ आता था तो ये सब क्वेश्चन आता था उसमें। नोट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है भाई, तो इसमें सबसे पहले आप किसको लिखिएगा, कैपिटल रिजर्व को, ऊपर में कहाँगे हम लोग का, छोटा कर देते हैं इसको, बिल्कुल सही है। देखिए कैपिटल रिजर्व कितना है, 8,50,000, हम भी अच्छे बच्चे की तरह कैपिटल रिजर्व कितना लिख देंगे, 8,50,000, जोड़ घटाव करना होगा तो थोड़ा डिटेल्स वाले में लिख देंगे, बाद में जोड़ घटाव करके इसमें सेटल कर देंगे, है ना। फिर देखिए, फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो कि सरप्लस पे है वो कितना है, 4,00,000, और नीचे में है कि नीचे में है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड अर्न द प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट ही है, सरप्लस दे दिया तो प्रॉफिट ही है, क्योंकि NPO आप पढ़े थे तो सरप्लस लिखते थे कि नहीं लिखते थे, वो प्रॉफिट का ही हिस्सा था, है ना, तो सरप्लस है फिर भी प्रॉफिट है, और यहाँ भी प्रॉफिट दे दिया, तो दोनों प्रॉफिट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा सर। तो लिखेंगे सरप्लस में बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग, और एक लिख देंगे सरप्लस ऑफ द पीरियड, दोनों पैसा जोड़ देंगे और जोड़ के लिख देंगे 10,50,000, कैसे हुए, 6,50,000 और 4,00,000 रुपया है, तो ये हमारे हो गए सर, ठीक है। अब इन पैसों को जोड़ेंगे तो 19,00,000, और 19,00,000 को हम कहाँ दिखाएंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर फंड रिजर्व एंड सरप्लस 19,00,000 रुपया, किस वाले डेट में दिखाएंगे, 18 या 17, 18 वाले में, है ना। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आइटम शो ऑन द लायबिलिटी साइड, केवल आपको लायबिलिटी साइड वाले आइटम को ही शो करना है, तो पहले देखेंगे लायबिलिटी वाले कौन कौन है। शेयर कैपिटल आपका बचपन से लायबिलिटी है, जब से पैदा हुआ तब से लायबिलिटी है वो, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर आपका लायबिलिटी है, पब्लिक डिपॉजिट, और एक आपका क्रेडिटर भी आपका क्या है, लायबिलिटी है, लमसम ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर लायबिलिटी ही सब दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, दो हिस्सों में इसको कर देंगे, आप चाहें तो इसको नोट्स में करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज जैसे बना सकते हैं।
एक हो गया आपका शेयर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल का पैसा कितना है वो लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा कितना है वो लिख देंगे, है ना, और नॉन करेंट लायबिलिटी का पैसा उठाकर इसमें लिखेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एक अस्थाई संपत्ति का रूप लेती है। अस्थाई संपत्ति में 12% आपका डिवेंचर हो गया और आपका यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट का पैसा हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा बात है, देख लीजिए। चलिए हम लोग पहले किसको लिख दें, शेयर वाले पैसे को लिख देते हैं। चलो भाई ऊपर वाला शेयर कैपिटल आ जाओ नीचे, शेयर कैपिटल 1,00,000 खुश। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 आ जाओ भाई तुम भी खुश। अब यहाँ पर देखिए डिवेंचर का पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। कितना है 50,000, हम भी लिखें 50,000। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, एक तरह का लोग यदि डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि लोगों को पैसा देना पड़ेगा। इसको भी कहाँ लिखेंगे, करंट में कि नॉन करंट में, नॉन करंट में, तो नॉन करंट में लिख देंगे। इसके बाद आपका क्रेडिटर का पैसा है, क्रेडिटर का पैसा कितना है 5,000, ये भी आपका लायबिलिटी है। बट कौन सा लायबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल है, व्यापारिक खर्चा है, इस लायबिलिटी को भी इसमें लिख देंगे। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा था थोड़ा सा समझ लीजिए, आइटम टू बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड, आपको टोटल लायबिलिटी साइड वाले आइटम्स को लिखना होगा। आप काम कीजिए, इसको आसानी तरीके से बना लीजिए, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, क्रेडिटर, सारे पैसों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। लेकिन आप अकाउंट्स के अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप दो चीज़ कीजिएगा उसमें, एक करेंट लायबिलिटी को अलग कर दीजिएगा, एक नॉन करेंट लायबिलिटी को अलग कर दीजिएगा। दोनों में से किसी एक को ऊपर कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को आप करंट वाले में डाल दीजिएगा, या ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो आप उसको ट्रेड पेबल में डाल दीजिएगा क्योंकि महाजन को पेमेंट करना होगा। इस प्रकार करने पे आपका ये रिजल्ट आ गया, टोटल अमाउंट जोड़े तो 1,75,000 आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे। 9 में बोल रहा है आइटम्स टू बी द शो ऑन द एसेट साइड। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है केवल लायबिलिटी शो करना है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है केवल एसेट शो करना है। आगे और क्वेश्चन में बोलेगा एसेट्स अलग कर दीजिए, लायबिलिटी अलग कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में बोलेगा शो ऑन द करंट एसेट, किसी में बोलेगा शो ऑन द करंट लायबिलिटी। कितना अच्छा है। जो बच्चा एसेट्स और लायबिलिटी 11th के केवल 2 मिनट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन और ये चैप्टर कुछ है ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे बना के हमको दिखाइए, हम देखते हैं आप कितना सही बनाते हैं। देखिए आइटम शो ऑन द एसेट साइड, आपको एसेट का चयन करना है। पहले ही बता बोल देते हैं, ज़्यादा स्मार्ट ऐसे आप एसेट्स वाले उठाकर लिख दीजिएगा, आराम से आपका नंबर आ जाएगा टोटल। और आप तेज होइएगा तो करेंट को अलग कीजिएगा, नॉन करेंट को अलग कीजिएगा। और तेज होइएगा तो करेंट नॉन करेंट को अलग करके ट्रेड रिसीवेबल को डाल दीजिएगा क्योंकि एसेट में रिसीवेबल होता है, लायबिलिटी में ट्रेड पेबल होता है। तो बना लीजिए इसको, हम ही बना दें। हाँ भाई बना दीजिए आप ही, एग्जाम में भी तो आप ही बनाइएगा, हम लोग थोड़ा ना पढ़ेंगे, हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक यहाँ पर लैंड है, एसेट्स है, व्हीकल एसेट्स है, एक्यूरेट ये भी एसेट्स है, एसेट्स एसेट्स एसेट्स, ये आपका एक्सपेंस जो है वो एसेट्स नहीं है, वो खर्चा है आपका, ये भी एसेट्स हैं। पैरनबी एक्सपेंसेस है, यदि एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, ये खर्चा नहीं हुआ होता तो ये भी एसेट्स होता कि नहीं होता, एक खर्चा यदि नहीं हुआ रहता तो ये भी एसेट्स होता कि नहीं होता। रुको, लैंड और व्हीकल्स मिलाकर 5,02,00,000 7,000 रुपए का रूप ले रहे हैं यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में। उसके बाद हमारा 50,000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जो कि हमारा नॉन आइटम्स में 50,000 का अंश ले रहा है। स्टॉक इन ट्रेड, सन्डरी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों एसेट्स है। तीनों एसेट्स का प्राइस कितना है 75,000, 3,000 और 5,000। हाँ अच्छा ऊपर वाला 5,000, ये सही हम लोग का। हाँ टोटल 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 जी 30,000 आपका एक्सपेंस ही था, 30,000 रुपये आपका क्या था एक्सपेंस था, तो उसको ट्रेड पेबल में दिखा सकते हैं। बट आपको एसेट शो करना है इसलिए आप वहाँ पर प्राइमरी एक्सपेंस को मत लिखिएगा, बाकी सबको क्या कीजिएगा आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको 1,00,000 प्लस में 100, ये कितने हो जाएंगे 1,00,000 हो जाएंगे। और 60,000 रुपये ऊपर में लिखा हुआ था, किताब खोल के बैठे हो सब लोग, तो ये 100 रुपये इसका है, ये 60,000 हो गया। और ये यहाँ पर 56,000 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 56,000। बट कॉल इन एरर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 रुपया एज पर शेयर है, 700 शेयर है और रेट है उसका 20 रुपया, तो ये कॉल इन एरर्स में चला जाएगा। तो कॉल इन एरर्स का पैसा जो है इसमें माइनस हो जाएगा 14,000 रुपया। देखिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, आपका मन 700 मल्टीप्लाई 20, ये कितना हो जाएगा 7 दुनिया के 14,000।
56 में से 14 माइनस होगा 56,046, मतलब 55,86,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। और ये भी अमाउंट आपके सामने है, कितना आसान है सब, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, नीचे भी जिस तरह ऊपर क्वेश्चन बनाया है उस प्रकार ये नीचे भी क्वेश्चन है। कुछ अच्छा वाला बनाते हैं क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे पूछे जाते हैं सब, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस समय कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर है, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, 11 नंबर है, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ऊपर में। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द एक्स वाई एलटीडी प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ रेट दिया है 10% डिवेंचर का, ट्रेड पेबल है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिक्स एसेट्स और ये सब है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। 11 पे बैलेंस शीट कैसे बनाते थे, चार खंड हुआ करता था उस टाइम पे, एक हम लोगों का लाइबिलिटी का, एक अमाउंट का, एसेट्स का, और ये अमाउंट का, ठीक है। चार ही खंड होते थे, रफ में समझा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है सर, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें एक होगा आपका पार्टिकुलर का और दो हो जाएगा आपका अमाउंट का। आ रहा है समझ में ना, आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें बस केवल एसेट्स को और लाइबिलिटी को अलग करना है। जैसे डिवेंचर है तो लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल भी क्या है, लाइबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट्स क्या है, एसेट्स है, इन्वेंट्री एसेट्स है, ट्रेड ये भी एसेट्स है, और कैश तो बचपन से एसेट्स है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है बताइए, चार को ऊपर लाइबिलिटी दे दिया है, चार को नीचे में एसेट्स दे दिया है। तो आराम से पहले एसेट्स को दिखा दीजिए, चाहे लाइबिलिटी को दिखा दीजिए, लाइबिलिटी ऊपर में है तो पर हम लाइबिलिटी को दिखा देंगे। चलिए लाइबिलिटी है यहाँ पर, देखिए आपका शेयर कैपिटल का पैसा कितना, 400, ऊपर वाला 400 आपका, ये वाला शेयर कैपिटल का मतलब इधर उधर करके इसमें दिखाया गया है, आप लाइन से दिखा दीजिएगा चारों को। देखिए आपका 40 रुपये, 400 उसका, फिर 90 रुपये इसका, 500 रुपये इसका और 30 रुपये इसका, कितना हुआ, 1,020 रुपया हुआ। अब नंबर है एसेट्स का, तो एसेट्स में चार गो है, 1, 2, 3, 4, इन चारों का आप कहाँ दिखा दीजिए, नीचे में दिखा दीजिए। फिक्स एसेट्स एक करंट एसेट्स का भाग है और ये लोग करंट एसेट्स है, तीन गो ये वाला, तो 1,800 और 3 गो ये वाला, ये भी मिलाकर कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपया, अरे 1,020 रुपया, ये भी 1,020 रुपया, और लाइब्रेरी भी कितना हो रहा है, 1,020 रुपया। आप आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझ गए, अब आराम से भी नहीं समझ में आया होगा, लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो इसको एक बार रोक के आराम से देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसमें बोल रहा है कि द फ्लोइंग बैलेंस शीट, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एसेट्स को अलग छाटना है, लाइब्रेरी को अलग छाटना है। देखिए ये पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, सब चैप्टर पढ़ाया हुआ है मेरा, जितना ललका कलम से टिक मारे हैं वो गरी करें, वो सब एसेट है समझ लीजिए, और जो नहीं मारे हैं सब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को अलग कर दीजिएगा, एसेट्स को अलग कर दीजिएगा, आपका ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर कैसे बना रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है, उसी को तो हम लिख रहे हैं और तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोलता है कि शो द ऑन द लाइबिलिटी साइड या फिर शो ऑन द एसेट साइड, तो हम लोग उसको दिखाते हैं, या बोल देता है कि भाई करंट एसेट्स को दिखाओ, तो केवल करंट एसेट्स को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम एसेट लाइबिलिटी दोनों को दिखाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा बच्चा की तरह पहले लाइबिलिटी लिख देंगे, ये लाइबिलिटी का अमाउंट एक और आ जाएगा, कितना आया, 25,40,000 रुपया, और अच्छे बच्चे की तरह एसेट जोड़ दिए तो भी कितना आया, 25,40,000। एसेट्स बराबर लाइबिलिटी होता है, क्या सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, छोटा कर देते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा, अच्छा सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लेके आराम से स्वेथी कर लो, हम हट जाते हैं, फोटो हो गया, दिमाग लगाओ, आराम से देखो ऊपर में लाइबिलिटी चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा है, एसेट्स चल रहा है, आसान है कि नहीं, इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये नोट्स में करके दिखाया गया है, आपको मन है दिखाइए, मत नहीं मन है मत दिखाइए, इसमें भी सब में यही काम करना है, एसेट्स और लाइबिलिटी को दिखाना है। देखो ऊपर में लाइबिलिटी है, नीचे एसेट्स है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें नहीं है, हाँ ध्यान से इसको जब बनाइएगा तो आप कहीं कहीं देखिएगा कि कुछ आइटम इधर जाएगा, कुछ आइटम उधर जाएगा, तो इसका अभ्यास होना चाहिए, इसका अभ्यास नहीं होगा तो एग्जाम में बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, उस समय आपका एक को क्वेश्चन बनाइएगा ना, या एक एक नहीं भी बनाइएगा तो कम से कम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनाना चाहिए, या इतना क्वेश्चन बनाना चाहिए कि आपको पूरा कमांड हो जाए कि हम इस चैप्टर को कैसे बना सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, घर से बना कर लाइएगा, 14, 15 और कितना नंबर दे दें, 16, घर से बना लीजिएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग बनाइएगा,
जो बेचारा देख रहा है मोबाइल पे वो तो बनाई भी करेगा, क्लास वाला कौन नहीं बनाता है, कौन कौन बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बनाना चाहिए, नहीं बनाओगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा, नंबर खराब आएगा, तुमको भी खराब लगेगा, हमको भी खराब लगेगा, सबको खराब लगेगा कि नंबर कम आ गया। प्रैक्टिस इट्स मेन द परफेक्ट, प्रैक्टिस इट्स मेक द परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी क्या होता है, हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिनेवल फ्रॉम द ऑपरेशन अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, देखो सेल्स का रेट दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न का दिया हुआ है, सेल्स ऑफ स्क्रैप का दिया हुआ है, इंटरेस्ट का दिया हुआ है, इसको अलग कर दिएगा। इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। कैसे सर, एसेट दिया है क्या, नहीं, लाइबिलिटी दिया है क्या, नहीं, इसमें सेल्स दिया। सेल्स किसमें होता है, इनकम ऑफ स्टेटमेंट में, किसमें होता है, इनकम ऑफ स्टेटमेंट में। इनकम ऑफ स्टेटमेंट जो आप 11th में बनाए होंगे, आपको याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम इनकम ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जिसमें हम एक्सपेंसेस को सेल्स को दिखाते थे, याद हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाना है। देखिए ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स चला जाएगा, या सेल्स से रिलेटेड जितना भी चीज़ है सबको लिख दीजिए, और लिख के आप जोड़िए, आपका अमाउंट आपको डिटो मैच करेगा यहाँ पर। ठीक है, आप एक बार जोड़ लीजिएगा अमाउंट को। देखिए ऊपर वाला सेल्स हुआ है कितना का, 6 लाख रुपए का, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, 6 लाख रुपए का सेल्स हुआ है, हाँ 1 लाख रुपए का रिटर्न हो गया है, तो कितना का सेल्स हुआ, 5 लाख का। ओकरा बाद सेल्स ऑफ स्क्रैप 12,500 रुपये जोड़िए जोड़िए जोड़िए, 5,12,000 हो गया, देख लीजिए यहाँ पर 5,12,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000 जोड़ दीजिए इसको, है ना, और उसके बाद फिर आपका डिविडेंड रिसीव है, दोनों रिसीव है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसको भी जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 50,000 और 25,000 दोनों जोड़ के 75,000 हो गया, और बाकी का ये बैलेंस जोड़िएगा तो आपका 5,87,500 रुपया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऊपर में बैलेंस शीट लिखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखिएगा, बैलेंस शीट तब आप गलती, तब आपका नंबर कटेगा। बैलेंस शीट थोड़े ना, बैलेंस शीट थोड़े ना है, ये तो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स होता है, संडे एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो सब तो होता है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग बताया था ना कि दो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कल ही मैंने थ्योरी में बताए थे, आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ रहा है ना। कहाँ से देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ स्क्रीन जो दिख रहा है तो उस पर टिक कीजिए, मेरा फोटो दिख रहा होगा बचपन का है, 3-4 साल पहले, उस पर टिक कीजिए, प्रवेश कर गए, उसमें ऑप्शन क्या क्या रहा है, वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो प्लेलिस्ट पे टिपिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर देख लीजिए, सारा वीडियो उसमें अवेलेबल आपको मिल जाएगा। चलिए हो गया ये वाला, या हो सकता है कि मैंने डीपी बदल दिया हो, तुम मेरा पिक नहीं देखता होगा उसमें, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर क्या लिखिएगा, बैलेंस शीट की इनकम स्टेटमेंट, ऊपर में यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, नहीं लिखा गया लेकिन आप लिख दीजिएगा, और यहाँ पर डिविडेंड रिसीव है, कमीशन रिसीव है, दोनों रिसीव है, दोनों रिसीव को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, 15 लाख और 25,000 दोनों आ गए यहाँ पर, और ये क्या है हमारा 2.5 लाख, अच्छा 2.5 लाख रिसीव ही है, इन तीनों को जोड़िए यहाँ पर, तीनों जोड़ने पे आपका 17,25,000 रुपया कैंसर आ जाएगा, मतलब कि फिगर आ जजाएगा आपका। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑफ बिल्डिंग है 1,75,000, और एक आपका मिसलेनियस एक एक्सपेंस है, ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही है, तो इसको एक्सपेंस नहीं है इनकम है, मिसलेनियस इनकम है, ये भी प्रॉफिट है तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी इनकम और ये भी इनकम, सबको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 19,65,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या सर, इस तरह बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा कि सब लिख के एक के लिए जोड़ देंगे तो बढ़िया रहेगा, दोनों बढ़िया रहेगा, दोनों क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप इस तरह लिख के खाली अमाउंट जोड़िएगा ना तो लगेगा ना अभी स्टूडेंट एकदम कांचा कांचा है, एकदम बढ़िया से एकदम पका हुआ, दिमाग उसका नहीं है उतना, है ना, अभी सीख रहा है नया नया, और आप इस तरह दिखाइएगा ना तो थोड़ा ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिएगा एक साइड में, अदर इनकम और इसको लिख दीजिएगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं करंट इनकम और एक लिख दीजिएगा अदर इनकम, ऐसे भी लिख कर आप उसको बना सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब करंट ही होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स पर या किसी चीज़ पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू का हिंदी राजस्व होता है। कंप्लीट, 16 नंबर पर चलिएगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख दीजिएगा, और देखिए इसमें क्या क्या हम लोग के लिखने लायक है, सेल्स है, कमीशन रिसीव है, परचेज तो नहीं लिखाएगा, परचेज लिखाएगा, अच्छा एक्सपेंस में लिख सकते हैं इसको ना, बिल्कुल 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 सही है। देखो होगा 11th क्लास याद ही होगा अपना, सेल्स प्रॉफिट लॉस में होता था, कमीशन भी प्रॉफिट लॉस में होता था, कस्टमर ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में होता था,
ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता था, टीडी लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में होता था। सैलरी आपका प्रॉफिट लॉस में होता था, याद है ना। वेजेज किस में होता था? ट्रेडिंग अकाउंट में। व्यापारी खाता में क्या क्या होता था? व्यापारी खाता में परचेज होता था, सेल्स होता था, वेजेज होता था, ओपनिंग बैलेंस होता था, क्लोजिंग बैलेंस होता था। यही होता था कि नहीं होता था? याद है अपना 11? नहीं याद है, यही होता था। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस में जाता था? प्रॉफिट लॉस में। डेप्रिसिएशन किस में जाता था? प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस वाले आइटम को पहले लिख देना है, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग एक्सपेंस है ना उसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। पहले प्रॉफिट देखो, इसमें दोनों चीज दिया हुआ है। इनकम ऑफ स्टेटमेंट देखो, तुम ध्यान से एक बार समझ लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया, एक हम लोगों का बैलेंस शीट है और एक हम लोगों का इसमें, हाँ एक बैलेंस शीट हो गया, एक हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट हो गया। इनकम और स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को बांटा गया है दो भागों में, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो पार्ट है उसको हम लोग अलग कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, और जो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है उसको हम लोग ऊपर में जोड़ देंगे। देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, इन सब चीज़ों को जोड़कर 12,50,000 आया है। जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहा है उन एक्सपेंसेस को हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो कितना आया है? 980,000 में से 12,50,000 में 980,000 माइनस कीजिएगा तो आपका फिगर कितना आएगा? 270,000। दैट्स ऑल, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट्स में दिखा सकते हैं। चलिए भाई, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द एक्स लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 मार्च 2020 होगा आप में, या 21 होगा, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, इसमें भी वही आइटम हो गया। इसमें सेम आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना होगा। इसमें कुछ आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है और कुछ आइटम आपका प्रॉफिट लॉस का है, जैसे वेजेज, क्लोजिंग, परचेज, ये सब आपके किसके आइटम है? ट्रेडिंग अकाउंट के। सैलरी प्रॉफिट लॉस का है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सेम वही काम किया गया है, जो जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, इसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड था, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट था, जो भी यहाँ पर था उसको अलग कर दिया गया है, सेल्स को अलग कर दिया गया है, सेल्स में से टोटल चीज को माइनस किया गया है, तो आपका आया है कितना? 6,98,000 रुपया है। इसको भी देख लीजिएगा, देख रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। हम फास्ट में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग 11th बढ़िया से पढ़े होंगे। अब 11th नहीं पढ़े होंगे तो जानते हैं बहुत चीज़ समझाना पड़ेगा, और फिर से आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस सिखाना पड़ेगा, एसेट्स कितने तरीके का होता है, लायबिलिटी कितने तरीके का होता है, सब सिखाना पड़ता है। आ रहा है समझ में ना? और तुम कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा? कर सकता है लेकिन ध्यान दो पढ़ने पर, मोबाइल रखो आराम से नीचे, अपना रिकॉर्डिंग करते रहो लेकिन पढ़ो, है ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर टोटल बन गया आपका क्वेश्चन 17 को था ना, 17 ओवर हो गया। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. आप क्वेश्चन अब बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चन दे हम आपको, बनाइए, दे रहे हैं क्वेश्चन, जो मोबाइल पे देख रहा है अभी बनाएगा। देखिए इसको, एक क्वेश्चन लिखिए, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट फ्रॉम फ्लोइंग आइटम्स, फ्रॉम फ्लोइंग आइटम्स। लिखिए डेटर 50,000, डेटर 50,000, स्टॉक 30,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 2,00,000 हो गया, बिल्डिंग 1,00,000, बिल्डिंग 1,00,000 हो गया। फिर लिखिए लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 1,00,000, लोन फ्रॉम बैंक 1,00,000, उसके बाद लिखिए क्रेडिटर 2,00,000, क्रेडिटर 2,00,000, डिवेंचर 80,000, आप लोग भी लिखिए कॉपी पे, लिख के बनाइए उसको, कमेंट वाले में दिखा दीजिएगा फोटो या पिक करके, या क्लास के जो बच्चे हैं क्लास में भी आके दिखा सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, हो गया।
डिबेंचर 80,000 हो गया, बनाइए तो इसको 380,000 आपका एसेट्स आएगा, 380,000 का आपका लाइबिलिटी आएगा, इतना दिमाग है मेरे पास चेक कर लीजिए, यदि आंसर आ रहा होगा तो सही होगा आपका, बनाकर दिखाइए।